हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। जनपद हापुड़ में आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भारत सरकार के आदेशों के पालन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमामि गंगे कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना गौतम जी व श्रीमती अनीता जायसवाल ने माँ गंगे के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। जीव विज्ञान प्रवक्ता श्रीमती स्वीटी वर्मा ने गंगा में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उपाय व संरक्षण के विषय में बताया। श्रीमती रानी सिन्हा ने बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी कुमारी कविता कश्यप ने छात्राओं को नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा स्लोगन द्वारा छात्राओं को गंगा नदी के महत्व को बताया। एनएसएस की स्वयं सेविकाओं ने कविता स्लोगन व पोस्टर के माध्यम से गंगा नदी के महत्व को समझाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुमारी सविता कश्यप, श्रीमती प्रीति अग्रवाल, कुमारी कल्पना निमेश आदि शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। और भी कार्यक्रम आएंगे, अच्छे से करिएगा। और नमामि गंगे में आपने देखा कि जैसे मैम ने बताया कि वो इतनी मोक्षदायिनी पवित्र गंगा है, वो स्वर्ग से अवतरण मतलब इसीलिए आई थी कि हम सबका कल्याण कर सके, हम लोगों को मोक्ष दे सके, जीवन दे सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, आगे की नहीं सोचते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो इतनी पवित्र गंगा है, अगर आप एक्सेस प्रदूषण फैलाओगे, फैक्ट्रियों का कचरा सब कुछ जाएगा तो किसी को नुकसान होता है। हाँ, तो आप सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है कि गंगा को पवित्र करने की, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि गंगा नदी को हम स्वच्छ रखें, ना तो गंदगी करें और लोगों को जागरूक करें कि भैया आप भी गंदगी मत करो, ये मोक्षदायिनी हमारी माँ गंगा है, प्रकृति का हम दोहन ना करें, दुरुपयोग ना करें। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता जो भी आस्था है, जहाँ हमारी विश्व में पहचान है जिस चीज़ों से, उसको कम से कम स्वच्छ रखें। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ। फिलहाल मुझे यानी ललित को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।